हेलो फ्रेंड्स, मैं दर्शी भावसार, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम मजेदार रेसिपी, वो भी सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली इंस्टेंट रेसिपी। और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आप सभी के घर में इजीली अवेलेबल होंगे। तो शुरू करते हैं मजेदार टेस्टी रेसिपी पोहा वड़ा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं, अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया हुआ रेड सब्सक्राइब का बटन दबा के मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। पोहा से वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप पोहा लिया है। ये नॉर्मल पोहा है जो हम आलू पोहा में यूज करते हैं, वो इसको हम सिंपली एक बार पहले वॉश कर लेंगे। पोहा को वॉश करने के बाद उससे सारा पानी हम ड्रेन आउट कर लेंगे। और फिर से ये पोहा हम बाउल में ले लेंगे। अब पोहा में थोड़ा पानी डाल के हम इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। इसे ज्यादा भिगोना नहीं है, 2 से 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। अब सारा पानी फिर से ड्रेन आउट कर लेंगे और पोहा को अच्छे से दबाते हुए पानी पूरा इसे निकाल देंगे। पोहा को अच्छे से दबा लेंगे और पानी पूरा निकाल लेंगे, बिल्कुल भी पानी रहना नहीं चाहिए। हमने पोहे से सारा पानी निकाल लिया है। अब ये पोहा को फिर से बाउल में ले लेंगे और हाथों से थोड़ा मैश कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है पानी है तो फिर से छन्नी में डाल के पानी निकाल लीजिए, पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। हाथों से थोड़ा मैश कर लिया है मैंने। अब हम हमारा ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे, तब तक इसमें हम मसाले भी कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे इसमें हम। रेड मिर्ची पाउडर, धाना जीरा पाउडर, हींग, ये अदरक, ग्रीन मिर्ची एंड कोरिएंडर है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। आप कोरिएंडर ऐसे भी डाल सकते हैं, बारीक चॉप करके भी। मेरे पास पेस्ट रेडी था तो मैंने पेस्ट डाल दिया है। और ये बड़ा चम्मच भर के कड़, इसके जगह आप लेमन जूस भी ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कड़ में पानी नहीं जाना चाहिए, और पेस्ट बनाई है तो पेस्ट में भी पानी नहीं जाना चाहिए। व्हाइट तिल है 2 स्पून और ये है सौंफ। इसका टेस्ट ये वड़े में बहुत बढ़िया लगेगा। और कड़ का टेस्ट बैलेंस करने के लिए शुगर, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है मगर इससे वड़े का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, तो आप जरूर डालिएगा। ये 2 स्पून जितनी ली है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा जो इसको बाइंडिंग देगा। ये अभी मैं 3 स्पून भर के डालूंगी, उसके बाद हम चेक करके डालेंगे, अगर ज्यादा की जरूरत है तो ज्यादा मिलाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये जो मिश्रण है इसमें आटा बहुत कम डालना है हमें, इससे हमारा जो वड़ा है वो सॉफ्ट बनेगा।
आटे को हम सिर्फ बाइंडिंग के लिए ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है, बस इतना इनफ है। सब मिक्स करने के बाद हमें लग रहा है कि हमारे वड़े आसानी से बन जाएंगे, तो अब भी हमें आटे की जरूरत नहीं है। सब अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम इसके छोटे छोटे वड़े बना के डायरेक्ट ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा मिश्रण लेके इसका हम बॉल बना के ऐसे हाथों से प्रेस करके इसके छोटे छोटे वड़े बना लेंगे। ऐसे दो तीन वड़े या आपकी कढ़ाई में चार से पांच वड़े आते हैं तो एक साथ पांच वड़े बना के इसको हम फ्राई कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, इसमें हम हमारे वड़े डालकर इसे मीडियम टू फास्ट फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अगर तेल अच्छे से गर्म नहीं है तो जो हमारे वड़े हैं वो ऑयल सोक कर लेंगे। मेक श्योर तेल अच्छे से गर्म है, वड़ों को दोनों साइड से गोल्डन फ्राई करना है। तकरीबन एक से डेढ़ मिनट हुए हैं, हमारे वड़े ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं। हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं ना, टेस्ट में भी उतने ही बढ़िया होंगे। आपको ये वड़े बनाते हुए ध्यान क्या रखना है कि बैटर बनाने से तुरंत ही आपको वड़े बनाने हैं, बैटर को रहने नहीं देना है, वरना जो सॉल्ट और चीनी है उसमें से पानी छूटने लगेगा। हमारे पोहा वड़े बनकर तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म चाय कॉफी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर चटनी या सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एकदम इंस्टेंट बनने वाली बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी रेसिपी है। ये एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बने हैं, आप देख सकते हैं अंदर से भी कितने बढ़िया दिख रहे हैं। ये रेसिपी आप घर पे अवश्य ट्राई कीजिएगा। लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू।